कैसे हैं दोस्तों, गंगा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू के गुटके। ये मैंने दो आलू लिए हैं उबले हुए। अब आलू को, ये आजकल के नए आलू आ रहे हैं, इनमें छिलने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये चाकू के उल्टे साइड से इसे छील कर ले लेंगे, बहुत आसानी से छिल जाते हैं। तो इनको मैंने ठंडा करके ले लिया था, आप देख सकते हैं। अब मैं इनके थोड़े बड़े पीस काट कर लूँगी। सेप आप अपने हिसाब से रखिएगा, छोटे बड़े, लेकिन थोड़े बड़े ही गुटके अच्छे लगते हैं आलू के। आप देख सकते हैं मैं थोड़े बड़े ही पीस काट रही हूँ। अब आजकल के आलू में स्टार्च ज़्यादा होता है तो चिपके हुए होते हैं, उन्हें अलग कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने सभी आलू को ले काट कर ले लिया है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया, उसमें थोड़ा जीरा डालकर हम भून लेंगे, और साथ में मैं ये पीली सरसों के दाने डाल रही हूँ, इसे भी भून लेंगे। और मैंने अदरक को ग्रेट करके लिया है, ये भी डाल दूँगी थोड़ी। और एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट कर लिया, वो भी साथ में ही डाल दूंगी। अब इसी के साथ में मैं हींग डाल रही हूँ। ये अगर सूखे आलू में आपको लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप लहसुन डाल लीजिएगा। अभी मेरा जो बीच में कोल आ गई थी जिसके कारण ये कट गया है मशीन, तो मैंने आलू डाल दिए हैं इसमें जो हमने काट कर लिए थे, और साथ में मैंने करी लीव्स डाले हैं थोड़े। अब मैं इसमें मसाला डाल लूँगी। मसाले में मैंने लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और हल्दी डाली है, और साथ में ही मैं आधा चम्मच इसमें नॉर्मल नमक डाल रही हूँ। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डाल लीजिएगा, कम ज़्यादा। अब मैं साथ में इसमें डालूंगी आधा चम्मच चाट मसाला, उसमें सारे ही मसाले मिक्स होते हैं इसीलिए आधा चम्मच चाट मसाला डाला है, और थोड़ा सा डाला है मैंने पिंक नमक। काला नमक डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और आधा ही चम्मच मैंने इसमें डाले हैं चिली फ्लेक्स, और सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा भूनेंगे मसालों को चलाते हुए। अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब इसको ढक के हम 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। बिल्कुल पानी नहीं डाला है हमने अभी इसमें, पानी का यूज नहीं कीजिएगा वरना ये चिपचिपे हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आलू बनकर तैयार हो गए हैं। आलू को पकने में 5 मिनट लगा, तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। वो सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं, आलू से लिपट गए हैं, लिपटे हुए मसाले से आलू है एकदम। अब आप देख सकते हैं मैंने ये जो धनिए के पीछे की स्टीम आती है ना, वो ली है काट के, जो उसको अच्छे से धो लिया था फिर उसको काट लिया है मैंने। धनिए की डंडियों को फेंकेगा मत, उसका यूज इस तरह कर लीजिएगा किसी भी सब्जी में, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। अब मैं सारे ही इसको इसके अंदर डाल दूंगी धनिए को, और इसको मिक्स कर दूंगी। सर्दियों में धनिया बहुत अच्छा आता है, और फ्लेवर भी उसका बहुत अच्छा होता है, खुशबू इतनी अच्छी आती है धनिया में से। सर्दियों का धनिया की बात ही कुछ अलग होती है। तो उसकी डंडियों को, जो जड़ का पार्ट होता है ना, उसको फेंकना मत, उसको अच्छे से धो के और उसको बारीक काट कर, चाहे तो आप स्टोर भी कर सकते हैं या इस तरह भी यूज कर सकते हैं आलू में या किसी भी सब्जी में आप डालकर बनाइए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब सब्जी बनकर तैयार होगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।